हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने होमआर्ट चैनल पे। अगर फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरीके से ये मैंने पूरी कतरन कर ली है, ये मैंने सिलाई ली है 8 नंबर की। तो चलो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। यहाँ पे हम नोट लगाएंगे, 2 नोट लगाएंगे इसके अंदर, फिर इसके अंदर हम सिलाई डालेंगे। फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखते रहिए, तभी आप समझोगे कि किस तरीके से कैसे हमने क्या बनाया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। इसके अंदर हम फंदे डालेंगे। अब किस तरीके से हमें इस सिलाई के अंदर कैसे फंदे डालने हैं, यहाँ से इसको इस तरीके से फोल्ड करो, इसके अंदर डालो। इस तरीके से हमें एक पायदान बनाएंगे। जितना लंबा हमें पायदान बनाना है उसके हिसाब से ही हमें ये फंदे डालने हैं। तो यहाँ पे मैं 60 फंदे डालूँगी, 60 फंदों का एक पायदान बनाऊँगी। देखो फ्रेंड्स, मैंने फर्स्ट सिलाई बुन ली है, अब हम दूसरी सिलाई बुनेंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट सिलाई के अंदर ये पहले के अंदर इसको ऐसे घुमा के ऐसे डालेंगे, ये हम ऐसे पीछे करेंगे, फिर इसके अंदर ऐसे डालेंगे, फिर ये इसके अंदर ऐसे डालेंगे, इसको फिर आगे करेंगे, फिर इसके अंदर से डाल के ऐसे निकालेंगे, फिर इसको पीछे करेंगे। एक बार हमें पीछे की ओर धागा लेना है, एक बार हमें आगे की ओर ऐसे धागा लेना है, ऐसे ही हमें पूरे को बनते रहना है। देखो मैंने नीला कलर है उसकी 2 सिलाई बुन ली है। अब हम 1 और 2, इसके 2 फंदों के ऊपर हम ये नीला वाला कलर ही बुनेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें दूसरा कलर यूज़ करना है। किस तरीके से हम दूसरे कलर को इसके साथ अटैच करेंगे, ये कतरन इसके अंदर इस तरीके से डालो, बीच में यहाँ पे डाल के, फिर हमें इस तरीके से इसके साथ इसके अंदर से निकालेंगे पीछे की ओर से, और इसके अंदर से ऐसे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमने ये पहला येलो वाला राउंड शुरू किया है, तो इसके हम पहले राउंड में 2 फंदे येलो के लेंगे, बाकी हम ये ब्लू है ये ही हमें लेना है। इसको वैसे ही पीछे की ओर करना है, एक बार पीछे की ओर, एक बार आगे की ओर। एक बार हम आगे वाले के अंदर से ऐसे निकालेंगे, फिर हम पीछे करके इस तरीके से पीछे करके, और इसके पीछे वाले के अंदर से हम निकालेंगे इस तरीके से। ऐसे हमें इसको बुनना है। यहाँ तक हमने इसको बुन लिया है। जो हमने 2 नीले वाले छोड़े थे वो भी इसके अंदर कर लिए हैं, ये हमारे येलो वाले 4 हो गए हैं। अब हमें 4 इसके आगे 4 और बढ़ाने हैं। पहले हमने 4 येलो लिए थे, अब हम 8 लेंगे। 1, 2, 3 और 4, ये हमने 4 ले लिए। इसको यहीं पे छोड़ देंगे, अब ये ब्लू वाला बुनेंगे। इसी तरीके से हमें पूरे को बुनना है, हर बार हमें 4 4 हर बार लेने हैं।
देखो हमने दो पत्तियां बना ली है ऐसे ही बढ़ा बढ़ा के, हर बार हमने चार चार फंदे उठाए हैं इस तरीके से। अब हमें कैसे बुनना है इसको, अब हर बार हम जो ब्लू है उसके चार फंदे लेंगे, दो, एक ले लिया, अब ये दूसरा है, दो, तीन, इस तरीके से हमें चार उठाने हैं इसके। इस तरीके से हर बार हमें चार चार फंदे उठाने हैं, जैसे हमने येलो के चार चार फंदे बुने थे वैसे हमें इसके अब इसके बुनने हैं। फ्रेंड्स हमने यहाँ तक बुन लिया है, इसको भी आप चाहो तो इसको और बड़ा बनाना चाहते हो तो इसको और आगे तक ऐसे ही बुनते रहना है, एक कलर से भी आप बना सकते हो। अब हम इसको बंद करेंगे, तो यहाँ पे एक फंदे को उठा के इस तरीके से इसके अंदर डालेंगे, अब ये वाला फंदा इसके अंदर डालेंगे, अब यहाँ हम दो फंदे उठाएंगे इसके अंदर ये डालेंगे, ऐसे डाल के हमें पूरे को बंद करना है। ये निकाल लिया, ये इसके अंदर डालेंगे, फिर हम दो फंदे उठाएंगे इसके अंदर से निकालेंगे, इसी तरीके से हमें इसको बंद कर लेंगे और ये हमारी एक चैन सी बन जाएगी। देखो हमने पूरे को बंद कर लिया है, यहाँ पे आ गया हमारा जो येलो वाला धागा था। अब हम इन दोनों को एक साथ लेके यहाँ से जो एक्स्ट्रा उनको कट कर लेंगे और इसके अंदर से निकाल के हम यहाँ पे दो नोट लगा लेंगे और एक्स्ट्रा उनको भी हम कट कर लेंगे। इसी के साथ ही हमारा पायदान बन के तैयार हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको और भी इससे बड़ा बनाना है तो आप ऐसे आगे बुनते रहना, मेरे को छोटा बनाना था तो मैंने छोटा ही बनाया है, कितना अच्छा लग रहा है। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।